बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जी पापा जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सारे मड़े ग्राही खिते पठार में रहने वाले, मी यकीन है कि तुसा जड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो ते आज मैं जड़ा है ना तुसा मारे एक लेक्चर की नहीं आया, ठीक है, जिसना जड़ा मैं मजमून बनाया ना वो फार्मूले, ठीक है, जिन्हें सुन जड़ा है सारे खिते पठार में जड़े लोग हैं ना वो बहुत अलर्जक हैं फार्मूले से, बहुत डरने हैं ये अलजबरे ने फार्मूले, ठीक है। अज मैं आख्या चलो तुम कि और तो कुछ तरीके याद तो नहीं होना है ना, तो मैं पठवारी तरीके फार्मूले याद कर सको जरा मजमून में बनाया बड़ा जब मैं लिखा पहले से ताकि थोड़ा टाइम बची गचा है, ठीक है। ए तो जी रियाजी पठवारी जबान में सीखें एक गल समझ लगनी है, ठीक है। तो रियाजी जरा इसकी अंग्रेजी मैथ भी अपने सौ, चलो जी पहला फार्मूला जी तको ए जमा बी नाम रबा। ऐसा जी मैं पहला फार्मूला लिखना वा तो तुसें सामने दसा ताकि तुसें पता लगा कि उस्ताद होना की ये फार्मूले अच्छे न, यह नहीं है कि अभी पेन पकड़िया नहीं तो बड़ा प्रशी गए समझा लगी पे। चलो जी पहला फार्मूला जी ए जमा बी ना मरबा। ए तको जी अस ए जमा बी ना मरबा खोल ए ए नी दो जमा बी नी दो जमा दो ए बी ए। इस तरीके इस फार्मूले से पठवारी को या अंग्रेजी खोलने ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। हूँ इसकी भुलिया नहीं अगला तक जी ए मनफी बी ना मरबा ए खोलना में ए नहीं दो जमा बी नहीं दो लिखे ना भुलिया नहीं कई बड़े ग्राही ना वो इसकी मनफी बी नहीं दो लिखी उन्हें तुसा इसकी जमा नहीं दिता इत मनफी ऐसी है मनफी दो ए बी। तो अंग्रेजी कितना पढ़ा ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। बस भुलवा नहीं इसकी। अच्छा हूँ क्या जी ए दो लिखा हूँ ए जमा बी ना जरा मरबा है तो जो ए माइनस बी ना जरा मरबा है इन्हें दवा किस कर लो या जमा जमा करना इसकी जो कर सौ ना तो इसमें जवाब आ जासी ए दो ब्रैकेट च आ जासी ए भी दो जमा बी नी दो। अंग्रेजी इस तरह पढ़ सौ ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू टू इन टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए समझ रही है ना गला जी इस फार्मूले किस तरह पढ़ सौ ए प्लस बी होल स्केयर प्लस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू टू इन टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये उनको ले आए मेहरबानी करें। अच्छा जी अगला फार्मूला देखो जी ए जमा बी ना मरबा तो ए मनफी बी ना मरबा जड़ा इसकी मनफी करिए ना सौ, ठीक है जी। तो इसमें जड़ा जवाब बचना ना वहां जवाब चार ए बी, ठीक है जी। फिर अंग्रेजी प्रश्न क्या उसी ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इज इक्वल टू फोर ए बी। इसकी भी भुलिया है, ठीक है। तो इन दोनों की जी विचली कहानी है ना कि जमा किया तो किस तरह आया तो मनफी किया तो किस तरह आया ये बाद नहीं करना इस बाद ही जो इसमें प्रूफ कर सा ना इसमें सबूत जिस तरह उर्दू सबूत आखने ठीक है तो पटवारी भी सबूत ही आसा इन्हें चीज जो साबित कर सा तो मैं बकायदा तुम की समझा सा कि इस तरह आया सी ये वो फार्मूला सी, ठीक है। अच्छा अगला फार्मूला है ए जमा बी जमा सी ना मरबा ए भी लिखना है देखो ए नी दो जमा बी नी दो जमा सी नी दो जमा दो ब्रैकेट च ए बी जमा बी सी जमा सी ए होगी हमारे ड्राइंग हो सकता रही है ना कि ए जमा बी जमा सी ना होल ना जड़ा होना ना स्केयर या होल ना मरबा वो क्या उसी ए नी दो जमा बी नी दो जमा सी नी दो जमा दो ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसा है जमा आपको जब प्लस आपको एक लेगा। अच्छा अगला तो कोई ए जमा बी ना मकाब या ए प्लस बी होल क्यूब ए तो कोई क्या उसी ए उसी जी ए नी त्रै जमा बी नी त्रै जमा त्रै ए बी अगर ब्रैकेट ए जमा बी
समझ में आ गई नहीं गल की ए पुलवानी ऐसा क्या मैं जुबानी बोलता हूं ए जमा बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी एस की इन टू आपने ब्रैकेट लिख पाई अगला तफरी अगला लिखा नाम है ए नी त्रै मनफी बी नी त्रै मनफी त्रै ए बी इन टू ए मनफी बी इसकी भी पुरे आना है ठीक है और याद रहा सी ना किस तरह ए मनफी बी होल ना मकाब हो सी तो फिर क्या हो सी ए नी त्रै मनफी बी नी त्रै मनफी त्रै ए बी इन टू ए मनफी बी अंग्रेजी क्या हो सी ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन टू ए माइनस बी ए एल क्या है अच्छा अगला तफरी अगला जो फार्मूला है इसकी ना पुरे है मेहरबानी करे इसकी बहुत बारी जरा ना कर लिखा है प्रैक्टिस कर सो ना तो फिर समझ लो इसकी गल्ला नहीं अच्छा अच्छा तो खोली अगला है ए नी त्रै जमा बी नी त्रै इसके लिए सीधा सीधा ये ऐ कर समझ ए जमा बी ऐ लिखा इस तो बाद असा ए प्लस लगा ना इसी तरह ए नी दो जब इतना प्लस आया ना तो दरमियान ही अशना है मनफी ए बी ते जमा बी नी दो बस अंग्रेजी के साथ पढ़ता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए स्क्वायर ते ए ऐ देखो माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अगर देखो जी ए ए माइनस बी इन टू ए स्केयर माइनस ए तो क्या हो जासी प्लस हो जासी जम आखी के नुस्ता में क्या ही गल है खाली जरा पटवारी जबान है थाने दसना ना रियाजी के साथ सीखिया क्योंकि कौन जरा फार्मूला से जड़ा कौन असो के चिड़ा कहता है पटवार वाले अगला तक पूरी और ए नी त्रै जमा बी नी त्रै जमा सी नी त्रै मनफी त्रै बी सी ना फार्मूला क्या हुआ ए एल ओ जी ए जमा बी जमा सी ब्रैकेट लिखी उड़ोस ए नी दो जमा बी नी दो जमा सी नी दो ते मनफी ए बी मनफी बी सी मनफी सी ए एरो और मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो क्या क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ओ लिखा है उसकी पूरे याद है मेहरबानी करें बड़े ग्राहियों इन फार्मूलिया की जड़ा है ना तो